पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा चुनावों में आज कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के लखनऊ में रोड के जरिए ताल ठोक दी है। उधर सत्तारूढ़ भाजपा भी पीछे नहीं है। अपनी सरकार बचाने के लिए भाजपा नेताओं की बेचैनी साफ दिखने लगी है। कुछ यही आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह के मुरादाबाद में आयोजित 5 लोकसभा सीटों के सेक्टर प्रमुखों की बैठक में भाग लेने के दौरान दिखाई दिया। राजनाथ सिंह ने पूरे संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं को दीनदयाल उपाध्याय से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम याद कराया। वहीं राफेल मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के चौकीदार ही चोर के तंज पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा चौकीदार चोर नहीं है, हमारा चौकीदार प्योर है और अगला पीएम बनना श्योर है। सरकार की उपलब्धियां राजनाथ सिंह ने अपने पूरे संबोधन के दौरान भाजपा सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों को गिनवाया, चाहे वो उज्ज्वल योजना हो या फिर GST, किसान सम्मान निधि व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन। राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएं। राफेल मुद्दे पर कहा कि भाजपा सरकार देश की सेना को मजबूत करना चाहती है, जबकि प्रमुख विपक्षी दल बिना वजह के दावों को तुल देकर उसका मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी भारत बीते 4.5 सालों में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में 9वें नंबर पर है। अगले 10 सालों में भाजपा की सरकार रही तो दुनिया के 3 ताकतवर देशों में शामिल हो जाएगा। आजादी के बाद किसी सरकार ने दुनिया में इस तरह की भारत की छवि नहीं बनाई पाई जो मोदी सरकार ने बीते 4.5 साल में बनाई है। इसी के साथ ही भाजपा ने अब लोकसभा अभियान की भी जरूरत कर दी है, जिसमें 12 फरवरी से 22 फरवरी तक मेरा घर भाजपा का घर अभियान चलाने का आह्वान किया है। उसके बाद कमल ज्योति जलाने का भी लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष अश्वनी त्यागी के साथ ही मुरादाबाद, संबल, रामपुर और अमरोहा व नगीना लोकसभा के सांसदों के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बीच पीछे भी कोई कहता हो तो मैं कहूंगा कि सामने आकर बोले, झूठ मत बोलना। मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भी वादे नहीं करता। मैं कहता हूं कि आपका आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए ताकि परमात्मा हमारे अंदर वह शक्ति दे, ताकि आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर मैं खरा उतर सकूं। झूठ बोलकर भारत की राजनीति में विश्वास का संकट में पैदा करना, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारत की राजनीति में विश्वास का संकट नहीं पैदा किया जाना चाहिए। विश्वास के संकट को हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। क्या हो रहा है आज? राफेल और प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। मेरा भाइयों, 30 साल तक हमारे सेना के जवानों को वह हथियार मांगते रहे, हमको यह चाहिए, हमको फाइटर प्लेन चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए, हम नहीं दे पाए। और पहली बार दिया उसकी आप शिकायत कर रहे हैं, तरह तरह के इधर उधर के घुमा फिरा के आरोप चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहन भाइयों, हमारी सरकार की नियत है हम भारत की सैन्य शक्ति को हम कोई साधारण शक्ति बनाकर नहीं रखना चाहते, बल्कि हम भारत की सैन्य शक्ति को विश्व की महाशक्ति के रूप में खड़ा करना चाहते। हम किसी को डराने के लिए नहीं, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं। भारत का यह चरित्र नहीं रहा। भारत दुनिया का अकेला देश है, मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, डंके की चोट पर दुनिया के सामने बोलो कि आज तक भारत ने दुनिया के किसी भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया है, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। हम विस्तारवादी नहीं हैं, बल्कि हमारे भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाले ऋषियों और महर्षियों ने तो केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धारा पर रहने वाले, चाहे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, कोई भी, सभी को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी विश्व को यदि किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। भारत से गया, यह गौरव प्राप्त है तो हम भारतवासियों को यह गौरव प्राप्त। कभी भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स,
हीन भावना हमारे अंदर नहीं पैदा होनी चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं पैदा होनी चाहिए। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, परिवर्तन यदि हम करना चाहते हैं तो परिवर्तन यह सकारात्मक सोच से आता है, और हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार में यह सकारात्मक सोच है और उसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। बातें बहुत हैं, मैं सोचता हूं कि मैं भाषण करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप सब भी थक जाओगे, थक जाएंगे ना, थक जाएंगे, नहीं थकेंगे, नहीं थकेंगे। मैंने लेकिन हमारे प्राण, भारतीय जनता पार्टी का प्राण जिस बूथ पर बसता है, उस बूथ के अध्यक्ष अमरनाथ प्रजापति ने भी मेरा स्वागत किया। बहनों भाइयों, मैं सब स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं सांसद सर्वेश सिंह जी से मैं कहूंगा, यह सोने का मुकुट तो मैं आपको वापस करता हूं, आपके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सबसे गरीब ऐसा कोई परिवार हो कोई शादी करने लायक कोई बेटी हो, लेकिन इस परिवार के पास, माननीय राजनाथ सिंह जी, उस परिवार के पास अपनी बेटी के पांवों के लिए चांदी की पायल भी बनवाने की ताकत न हो, उस परिवार को यह मुकुट मेरा समर्पित कर देना और कहना, उस बेटी के पांवों में चांदी की पायल तो दूर, यह सोने की पायल ही पहना कर वह उसको विदा करे, इसलिए मैं यह मुकुट आपको समर्पित करूं।